गए थे दूसरे जिलों में, तो उसी समय हमको ये एहसास हुआ था कि यहाँ भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, तो उसी समय हमने तय किया था 3 दिन पहले कि हम यहाँ जाएंगे जरूर। तो उसी सिलसिले में आए हैं, देख रहे हैं, एक तो हम पूरा देख ही चुके हैं और बाकी सब लोगों से समीक्षा की गई है। हर जगह लोगों के लिए जो राहत की कार्रवाई हो कर रहे हैं, रहने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम, और हर परिवार जो प्रभावित है उनको जो हम लोग सहायता देते हैं वो सहायता देने का काम हर जगह ये सब काम हो रहा, पशुओं के देखभाल का भी काम, हर चीज़ हो रहा। तो उसी को देखने के लिए ऊपर से तो हम देखते ही हैं एक चीज़ को, लेकिन उस साथ साथ जगह जगह जा करके कि वहाँ किस तरह से लोग कर रहे हैं लोगों की सहायता, वो देखते हैं। तो अभी लोगों से भी बातचीत किया है, यहाँ भी इसके पहले भी 3 जगह गए तो सब लोगों ने कहा कि ये काम ठीक है, और कहीं किसी के बारे में कुछ जानकारी थी कि और कहीं पर कोई प्रभावित है, तो उसी समय DM ने को कहा, DM ने तुरंत कह दिया कि हम तत्काल उन लोगों से बातचीत करेंगे, अभी जा करके वहाँ के कुछ महिलाओं से बातचीत भी करें। तो हर तरह से हम लोग देखते रहते हैं यही, और हर जगह आप जानते हैं जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो कह रहे हैं ना 2007 से ही कि जो आपदा पीड़ित है उनका सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है, इसे सबके लिए हर तरह के राहत का काम है। तेजस्वी पर कुछ कहना चाहेंगे, उन्होंने कितनी की है कि CM केवल हवा हवाई दौरा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। हाँ जानते, कैसे जानते हैं ये पता नहीं आपको, अपने अपने मीडिया के लोगों से पूछ लीजिए, हम कितनी जगह पर गए हैं और सब भी जाते रहते हैं, कौन क्या कहता है उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन ये मेरा काम है एक चीज को देखना, और जब भी कुछ बाढ़ की स्थिति होती है कौन जानता है, पहले लोग आज तक बाढ़ के बारे में कुछ जाने हैं, पहले कुछ होता था कोई इसके लिए कोई बना हुआ नियम था, पहले कहाँ कुछ होता था। ये सब कुछ तो हम लोगों ने किया है 2007 से, और एक एक चीज किया तो करते ही हम हर बार देखते हैं, तो आपको बता ही दिया। चलिए चलिए, समस्तीपुर जिले के भी कई इलाके बाढ़ से प्रभावित रहे हैं, और जो कई जिलों का हम देखने के लिए और एरियली सर्वे भी करते हैं, सब देख रहे थे, तो 2 दिन हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर भी काफ़ी है, यहाँ की जानकारी मिलती थी लेकिन खुद ही हमने देखा। एक दिन जो भागलपुर वगैरह की यात्रा थी, और दूसरा दिन जो हम यहाँ गए हुए थे आपको कटिहार वगैरह, तो एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से दोनों देखा, उससे हमने कहा कि भाई यहाँ पर भी बहुत हो गया है, हम आएंगे जरूर, इसलिए हम आए हैं देखने के लिए। हालांकि इस बीच पानी बहुत निकला है वो भी ऊपर से हम देख रहे हैं, लेकिन लोग प्रभावित हुए, सब प्रभावित लोगों को सहायता देने की जो योजना हम लोगों की उसके मुताबिक काम किया जा रहा है, कि कहीं को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह रखने का इंतजाम, कहीं भोजन का प्रबंध, लोगों के लिए अनाज का प्रबंध, और फिर आप जानते ही हैं कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को हम लोग देते हैं, मदद करते हैं, 6,000 रुपया हर परिवार को देते हैं। तो कई जगहों पर आज हमने पूछा है, अनेक जगहों पर लोगों ने पैसा भी दे दिया है, हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं। वैसे तो पटना से भी समीक्षा होती है एक एक चीज़ की, कहाँ क्या स्थिति, लेकिन जो हमने खुद देखा था तो हमको लगा था कि नहीं, समस्तीपुर जिले में भी कई इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए देखने आए। जैसा आज कहा कि आज थोड़ा घटा है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा थी आने की, देखने की, ताकि लोगों से समझ लें। सब लोगों ने बताया है कि नहीं, ठीक से भोजन चल रहा है, सब कुछ का इंतजाम है। वैसे हम पूछ भी लेते हैं कि किसी को अगर किसी ढंग की कठिनाई है या कहीं कोई इलाका उपेक्षित रह गया है तो उन सब को देखना है, तो इसके लिए भी जानबूझ कर के हम आते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये नदी वाले क्षेत्र में तो बाढ़ है ही, लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग 3 महीने से जल जमाव का सामना कर रहे हैं, जल कैदी बन के। तो सब देख ही रहे हैं, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन बाढ़ के दौरान जो स्थिति होती है वो दूसरी बात है, और बाकी समय दूसरी बात है। उसके लिए तो सारे नगर निकायों को कहा गया है कि हर तरह से उसको, जब आप जानते हैं 19 में पूरी तरह आया था पटना में, उसके बाद ही हम लोगों ने मीटिंग करके हर जगह के लिए नियम बना दिया, और उसके लिए जो भी राशि की जरूरत होगी राशि उपलब्ध कराई जाएगी।